आप सभी को अपार्ट फार्मिंग में स्वागत है। आज हमारे फार्म में एक नया समस्या देखने को मिला। छोटा सा समस्या है, हमारे लपू जी का एक छोटा सा फुंसी हो गया है। आइए उनको दिखाते हैं और आज इनका इलाज भी करते हैं हमारे लपू जी का। देखिए ये हमारा खांसी का छोटा सा एक फुंसी हो गया है, जो कि इसका एक छोटा सा मुंह भी है, तो इसको चिप के निकालते हैं। सबसे पहले कपड़ा ले लें या रुई भी ले सकते हैं, उसके बाद इसको चिपें। सामने लाओ, आ रहा है ना, चिप के इसको पूरा साफ कर दें। ये गंदगी है, बढ़िया से साफ करें पहले। देखिए इसका पूरा मुंह एकदम खाली हो गया, अंदर में कुछ भी नहीं है, मतलब ये बढ़िया से साफ हो गया है। देखिए चारों तरफ से बड़ा सा होल हो गया है। अब इसको ऐसा करते हैं, अब इसको पोटेशियम परमैंगनेट या डिटोल से बढ़िया से साफ करेंगे। ये मैं पोटेशियम परमैंगनेट घोल के रखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ हल्का सा मार लेंगे, उसके बाद एक रुई में लेंगे, रुई में लेने के बाद अब इसे बढ़िया तरीके से साफ करिएगा। से साफ करने के बाद इससे होता यह है कि अगर कीड़ा उड़ा लगने लायक रहता है, कीड़ा नहीं लगता है। अब ये हिममैक्स माला में, आयुर्वेदिक माला में इसको दे देंगे सूखने के लिए, दो चार दिन में ठीक हो जाएगा। कल इसे फिर एक बार दे देंगे, जख्म सूखने को देखो, जख्म सूखता हुआ दिखने लगेगा। अंदर से बढ़िया से लगा देंगे, ये छोटा सा जानकारी दोस्तों अगर आप लोग के लिए बहुत यूजफुल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।